ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का हंगामा है। आज आपको हम सचमुच के विलन वाली पिटाई दिखाते हैं। मामला यूपी जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र के तहसील परिसर में नामांकन को ले रहे दो पार्टियों के समर्थकों का है। वो मुझ पे ये दबाव बना रहे हैं कि अपना पर्चा वापस ले लो, पर्चा वापस ले लो। मैंने कहा मैं पार्टी से हूँ, कैसे पर्चा वापस ले लूंगा। मैंने अपना और अपने भाई का, हम दो लोग थे, मैं और मेरा भाई, दोनों का हमने मेडिकल कराया और तहरीर इंस्पेक्टर साहब को दे दिया। ये समर्थक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाते और घूसे चले। इतना ही नहीं, दबंगों ने एक पार्टी पक्ष के कपड़े तक फाड़ दिए। वो गुंडे हैं, एसटी सीटर हैं, कोतवाली में नंबर 8 में दर्ज है वो, और वो प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हम जो है पर्चा वापस ले लें, इसीलिए हमारे साथ मारपीट करी गई। तहसील परिसर में लगभग एक घंटे तक इस युद्ध में कई घायल हो गए। मामला बिगड़ते देख आरोपी मौका देखकर फरार भी हो गए। वो मैं बीसी का आदमी हूँ, वो जनरल का आदमी है, जबरदस्ती धान के भाई से लड़ लिया मुझसे, मारपीट, बच्चों में मारपीट हुई, इसी बात पे झगड़ा हो गया। सूचना के काफी देर बाद एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात कही है। हमने सरकारी कर्मचारियों ने इनका पर्चा कैंसिल करा और जो जैसे हम बाहर को निकले हमें गाली बकने लगे, गाली गलौज करने लगे और हमारे इन्होंने हाथापाई करी। फिर जो जैसे हमने क्या उनसे कहो सरकारी आदमी नहीं तो करा, हमने थोड़ी करवाया, जब आपने जाली को लगवाया तो जो इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, इन्होंने खूब गुप्तम गुप्ता करी, हमें ही मारा बहुत। ये जो कुछ भी चल रहा है इसको देखने के बाद देखना दिलचस्प ये होगा कि ऐसे गुंडे मवाली के साथ ही इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये जीतने के बाद जनता का क्या हाल करेंगे। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।